मम्मी ने हम लोग को कुछ भी नहीं बताया और पता नहीं कहाँ चली गई। देखिए ना, कब से उनका फोन ट्राई कर रहे हैं लेकिन लग ही नहीं रहा, कवरेज एरिया से बाहर बता रहा है। पापा, वो अचानक से इस तरह से कहाँ चली गई? उनके मोबाइल में तो नेशनल रोमिंग भी नहीं है। अब क्या करें हम लोग, कुछ समझ में नहीं आ रहा, बहुत चिंता हो रही है। शादी से पहले राजकुमारी गीतांजलि का सच मालिनी को बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए। हे भगवान, कृपा कीजिए। सासू माँ, हम पर विश्वास कीजिए। हम रघु और गीतांजलि देवी दोनों को अपने इन्हीं दो अखियों से देखे थे स्वर्ण भवन के बाहर। हमारी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अरे सूक्ष्म दर्शी समझ लीजिए आप सासू माँ। अच्छा अच्छा ठीक है, जल्दी से फोन मिलाइए घर पे। हेलो हेलो मामी जी, हम बोल रहे हैं बसंत। हाँ बोलो बेटा। जरा ये बताइए कि ई बगल गीतांजलि देवी कहाँ है? राजकुमारी वो तो यहीं पर है। हमको फोन दीजिए। हेलो, अच्छा अच्छा हम बोल रहे हैं मालिनी यादव। वो जल्दी से राजकुमारी जी को फोन दीजिए जरा। हाँ तुरंत एडवांस। देखिए जी, उनका ना हाथ पैर बहुत चलता है। हमको ना उनसे डांट खाना है और नहीं थप्पड़ खाना है। ये मुटल्ला मामी की जबान को ज्यादा तेज हो गई है। मन तो करता है सल्फास ले जाके मल दे। बिल्कुल सही कह रही हैं। काम खत्म हो जाए। अरे दामाद जी। हाँ जी। तुरंत ही घर के लिए निकलिए। आप कह रहे हैं ना कि आपने उन दोनों को यहाँ प्रेजेंट देखे हैं, तो फिर राजकुमारी जी घर पर कैसे हो सकती है बताइए। अरे सासू माँ, हम पर विश्वास कीजिए, हम उन दोनों को देखे थे वहाँ। तो ठीक है ना, चलिए ना फौरन घर चलते हैं, छापा मारते हैं। हाँ, ए ड्राइवर बाबू, अरे गाड़ी भगाइए ना, जल्दी भगाइए, तेज भगाइए। अरे कर दो ऊपर ट्रैक सबको। क्या हुआ बसंत जी? बहुत गड़बड़ हो गया, लगता है बसंतवा वो गीता और रघुवा को उज्जैन में देख लिया है। वही देखने गए थे कि ये लोग आ रहे हैं कि नहीं। देखिए जी, गीता को ना मालिनी जी से पहले बंगले में आना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। राजकुमारी जी कहाँ? कहाँ है? अरे हम कहाँ पूछ रहे हैं, राजकुमारी जी कहाँ है? काहे नहीं बता रहे हैं? इतना साइलेंस में काहे खड़े हैं आप दोनों? हम पूछ रहे हैं राजकुमारी जी कहाँ है? पता है तुथी जी आपको फोन पे कि राजकुमारी जी सो रही हैं? सो रही हैं। तो हम भी सुन रहे हैं बसंत। चलिए दामाद, हम अपनी आंखों से देखना चाहते हैं कि कोई इंसान सुबह से लेकर रात तक इतना कैसा सो सकता है। हेलो मी, चलो हट गए। पंजी, पंजी, सुने तो सही। अरे रुकिए तो सही, बात सुनिए हमारा। अरे आप कहाँ जा रही हैं? आप जानती हैं ना राजकुमारी जी को नींद में बाधा एकदम में पसंद नहीं है। आप जाएंगी तो नाराज हो जाएंगी। आप पे देखिए, गुस्से में वो कुछ भी कर सकती है, शादी के लिए भी मना कर सकती है, है कि नहीं? अरे चुप कीजिए ओ सासू माँ, मामी जी झूठ कह रही। हमारी जो ये आंखें हैं ना, आंखें नहीं दूरबीन है, और हमारी ये आंख कभी गलत नहीं देख सकती। अब तो हम बस अपनी आंखों देखी पे विश्वास करें। चलो बस। अरे सुनिए तो सही। अरे कोनो नया मुसीबत को बुलाना चाहती हो का? सब गड़बड़ा जाएगा। अरे पाई जी, अरे हमारे सो रही है। ये देखिए सासू माँ, हम कहे थे ना आपको कि हमारी आंख आंख नहीं सूजा का नोक है, कायदे से देख ले तो छेद हो जाता है। देखिए साला,
हम ही से हाइड एंड सीक का गेम खेला जा रहा है, लुका छिपी। अरे सौ कुत्ता का मौत के बाद हम जन्मे हैं और हमी को काटने की तैयारी। बोटलो मम्मी, क्या कह रही थी तुम कि राजकुमारी सो रही है? अच्छा एक बात बताइए, आपको ये बात का नॉलेज कैसे? क्या अपने मन से ही सोच लिए? हाँ बताइए। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आप लोग हमारी इजाजत के बिना हमारे कमरे में आए कैसे? हम कुछ पूछ रहे हैं, आप लोग हमारे कमरे में क्या कर रहे हैं? नहा रही थी, ये नहाने का बहाना बना। कहीं उज्जैन पुज्जैन घूमने तो नहीं चली गई? बात ही कर रही थी ना। आपका मतलब क्या है? पूछना क्या चाहती हैं आप? और वैसे आप होती कौन है हमसे सवाल करने वाली? हाँ चलिए निकलिए यहाँ से, आउट। अरे नहीं नहीं वो कहा है ना, देखिए ना तकिया ऐसा लपेट के रखे हुए थे तो हमने सोचा कहीं घूमने निकल गई होंगी। आपने हम पर शक किया? हमने आपके जैसे परिवार का रिश्ता स्वीकार किया और आप लोगों ने हमारे बारे में छानबीन शुरू कर दी? हमने तो प्रिंस का कन्फेशन सुनकर शादी के लिए हाँ की थी, एक ऐसे परिवार के साथ जिसकी औकात सैकड़ों सालों तक हमारी बराबरी नहीं कर सकती, और आप लोगों ने हमारे बारे में इंक्वायरी शुरू कर दी? नहीं बेटा, रियली शट अप। हमें आभा भाभी का फोन आया था, उन्होंने हमें सारी डिटेल्स बताई। अब यही जानने गई थी ना कि हम वहाँ की प्रिंसेस है या नहीं। ये राजकुमारी गीतांजलि का महल है ना? राजकुमारी गीतांजलि यहीं रहती है। तो ये प्रिंसेस गीतांजलि देवी आपके रिलेशन में क्या लगती है आपको? हम उनकी भाभी हैं, छोटी नरंद है वो हमारी। दरअसल हमारे पति की चचेरी बहन है। अच्छा। सारी जायदाद की अकेली वारिस। अरे कहाँ लग रही है राजकुमार? आप लोग हमसे पूछ लेते, हम आपको बता देते, हम आपको अपने साथ ले चलते। कम से कम हमें आपकी छोटी सोच की वजह से अपने परिवार वालों के सामने अपमानित तो ना होना पड़ता ना। अब आप लोग ही बताइए, अगर हमारे परिवार वाले हमें वापस उज्जैन बुला लेते हैं तो कैसे होगी इच्छा? रहने दीजिए, हमें शादी नहीं करनी, हमसे नहीं होगा। हम कैसे ऐसे परिवार में शादी कर ले जो हम पर भरोसा ही नहीं करते? नहीं हो पाएगा। अरे नहीं 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 बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये कुत्ता कमीना लुच्चा लफंगा टाइम फूल रे, जमराज की चौथी औलाद। राजकुमारी जी, ये जबरदस्ती आ गया आपके कमरे में भड़बड़ाते हुए। ए, तुम्हारा नाम बसंत नहीं बेसंत होना चाहिए था। ओ सासू माँ, बिना मैटर हमारे ऊपर काय फायर हो रही? चुप, नहीं तो कुर्सी पलंग सब कुछ तक क्या मुंह में ठोस देंगे तुम्हारे। अंधेरिया रात का चोर नहीं तो बस करिए, हमारे सामने ये सब ड्रामा करना बस करिए। हमें कुछ नहीं सुनना, आप लोग जाइए यहाँ से। बताओ का है ना? नो, हमने किसी से कोई बात नहीं करनी। हमें कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दीजिए।
मॉम ये क्या तरीका, आपको गीतांजलि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। अरे मॉम एंटर करने से पहले परमिशन लेनी चाहिए, परमिशन नहीं कम से कम नॉक करना चाहिए। अरे 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 कूल डाउन, कूल डाउन, गुस्से को थूक थूक। बहुत बड़ा डिसीजन लिए हम, सच कहते हैं वो भी तुम्हारे लिए, जिसका ऐलान हम इसी टाइम पे सबके सामने करेंगे। और पूरी गारंटी है कि ये डिसीजन से पूरी फैमिली सहमत होगी, वो एकदम करेक्ट मानेंगे हमारे ये डिसीजन को। तो सुनिए, हमने यानी कि मालिनी यादव ने डिसाइड किया है कि इस घर में बैंड बाजा बजेगा, बारात आएगी और डोली सजेगी और प्रिंसेस बनेगी हमारे प्रिंसु की मिसेज मालिनी यादव की बहू। वाह, राजकुमारी जी भी आ गए। अरे करेक्ट टाइमिंग है, आइए आइए। क्या बात है, वो मिस्टेक हो गया का? आपको हमारा डिसीजन अच्छा नहीं लगा? राजकुमारी जी, ये तो बहुत ही सौभाग्य की बात है कि आप हमारे घर की बहू बन रही है। राजकुमारी जी सारी कुका है ना, असल में से पेरेंट्स और प्रिया की शादी में खटमंडल हुआ ना, हम जरा हिल से गए, इसीलिए हमने ये फैसला किया कि ये रिश्ते को फुल प्रिपरेशन से आगे लेके जाएंगे, जिसमें कोई ना एक्सीडेंट नहीं होगा, फुल परमानेंट होगा, सब कुछ परमानेंट, फुल प्लानिंग के साथ। तो चलिए एक काम करो, शगुन देकर हम ये बात को पक्की कर देते हैं, फाइनल। अरे आशा, आ जाओ ताकि हमारा कपट पूरी के पास ले जाओ। आशा माँ जी, जरा पैसे पूरा 11 रुपया ही निकला है। चूड़ी ला रही है, जल्दी लाओ। ये रखिए। विजय, अब आप हो गई है हमारे घर की बहू ऑफिशियली। क्या हुआ, सपने में गीता को देख रहा था का? हाँ। माई, तो बस यही सोच रहे थे कि जल्द से जल्द उसकी शादी जो है प्रिंस से हो जाए, बस यही प्लानिंग कर रहे थे माई। पर माई, तू यहाँ पर क्या कर रही है माई? अरे काहे तू गीता की शादी जबरन उन प्रिंसवा के साथ करवाना चाहता है? हमको मालूम है ये बात के लिए तेरा मन राजी नहीं है, वो तो कुछ और ही कह रहा है। कहाँ बोलती जा रही है माई? यही कि तू गीता से प्यार करता है,
और इसीलिए तेरा मन ये बात से राजी नहीं है कि वो किसी और से शादी करे। कुछ भी बोल रही है माई, हम गीता जी से प्यार थोड़ी ना करते हैं, हम तो उनकी सहायता कर रहे हैं, बस न्याय की लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं, और तुम इसका कुछ और ही मतलब निकाल रही है माई। वो कहाँ है ना भाई, कहाँ गीता जी और कहाँ हम? आप जानती है हमारे खानदान का रिवाज है कि घर में आने वाली बहू को सगन में चूड़ी देते हैं, पर राजकुमारी जी ये चूड़ी स्पेशल है, काहे कि हमने इसका स्पेशल पूजा करवाए है, हमारे कुलदेवी की पूजा। कुलदेवी के आशीर्वाद से पति पत्नी का जीवन सौभाग्य से भर जाता है, सच कहते हैं, अरे उनका जीवन पानी की तरह भर पार हो जाता है। अरे ये तो देवी का आशीर्वाद है, लाइए हम अपने हाथों से आपको ये चूड़ियां पहनाते हैं, लाइए। हमारे लाइफ की तो फिलॉसफी एक ही है, अरे मन चंगा तो कठौती में गंगा। देखा ना प्रिंस कितनी खूबसूरत लग रही है चूड़िया हमारी बहू के हाथों। पैर नहीं छुएंगी भौरिया? अरे रिवाज है। आज हम झुक रहे हैं लेकिन हारने के लिए नहीं, हम झुक रहे हैं तुम्हारी जड़ों को काटने के लिए। सौभाग्यपति रहो। हम झुक रहे हैं तुम्हें सबक सिखाने के लिए मालिनी यादव। अरे साक्षात लक्ष्मी के रूप में आना हमारे घर पे, हजार हजार के हजारों कड़ कड़ नोट बनके आऊंगी मालिनी यादव, जरूर आऊंगी, लेकिन लक्ष्मी का रूप लेकर नहीं, मैं आऊंगी काली बनकर। काहे कि ये धर्म युद्ध मैं काली के रूप में लड़ूंगी। आपकी जगह हमारे पैरों में थोड़ी ना है, हमारे दिल में। अरे खड़े खड़े देखता रहे हो दामाद जी, जरा अपना माइंड भी तो चलाओ। इसे पंडित को पुनियाइए और कहिए कल सुबह सन निकलते ही हम अपने सन प्रिंस और प्रिंसेस के फेरा डलवा देना चाहते हैं। सुख काम में देरी किस बात की है कि नहीं? हमको माफ कर देना भगवान, हमको इस धर्म युद्ध में छल करना पड़ रहा है, लेकिन हम क्या करें, हमारे पास और कोई रास्ता भी तो नहीं है ना अपने परिवार को बचाने के लिए, उस परिवार को जिसका गुनाह ये है कि उसने अपनी बहू के परिवार को पनाह दी, उस निर्मल और बेकसूर परिवार को जिसने सबका ही भला चाहा।
हमें हिम्मत दो भगवान, इस धर्म युद्ध को जीतने की हिम्मत, इस परिवार की खातिर।